उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद से ही ताजनगरी आगरा में पार्षद पद के प्रत्याशी जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वार्ड 2 से कल्पना सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कल्पना सिंह दिन रात तूफानी जनसंपर्क कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। नगर निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही ताजनगरी आगरा में आम आदमी पार्टी भी चुनावी समर में उतर रही है। वार्ड 2 से आम आदमी पार्टी ने कल्पना सिंह को पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया है। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ के नारे के साथ कल्पना सिंह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने का दावा कर रही हैं। अपने तूफानी जनसंपर्क में लगातार लोगों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। डीजी महाराजा न्यूज ने कल्पना सिंह से उनकी चुनावी प्राथमिकताओं और रणनीति के बारे में बात की। कल्पना सिंह ने कहा कि वे साफ सफाई, नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं और लोगों का अपार स्नेह उन्हें जनसंपर्क के दौरान मिल रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही ताजनगरी आगरा में सभी सियासी दलों ने जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। इस समय हम वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं। वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी ने शिक्षित प्रत्याशी कल्पना सिंह के नाम पर दाव लगाया है। कल्पना सिंह लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और पिछले जो पार्षद का जो कार्यकाल है उस पर सवालिया निशान भी लगा रही हैं। हम उनके बारे में, उनकी रणनीति और प्राथमिकताओं के बारे में पूछेंगे कि आखिर किन प्राथमिकताओं को लेकर वह जनता के बीच जा रही हैं जिससे जनता का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ता हुआ तब्दील हो। मेरे साथ कल्पना सिंह है, मैं बात करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जनता के बीच जा रही है, जनसंपर्क अपने पूरे चरम पर है, क्या क्षेत्र की समस्याएं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रही है जनता के? सर, मेन समस्या है यहाँ पर पानी का जो है, प्रॉपर सीवर लाइंस नहीं है, वो प्रॉब्लम्स हैं। साथ में गलियां जो है वो मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी लोग चलते फिरते गिर भी जाते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं। ये सारी समस्याओं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, लोग कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं आपको, आप अपनी जो बात है उनको समझाने में कामयाब हो पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, लोगों का रिस्पॉन्स अभी तक मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है और जो भी है, मुझे अभी तक कोई भी इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लगी लोगों की तरफ से। सब पूरे सपोर्ट में हैं और जितना सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा सब लोग सपोर्ट। क्या लगता है आपको, नगर निगम सदन पहुंचेंगी, क्षेत्र की समस्या को उठाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, विशाल भाई मेरे साथ हैं। विशाल भाई यहाँ इसी क्षेत्र से आते हैं और कल्पना जी धर्मपत्नी। विशाल भाई, ये बताइए कि मूलभूत समस्याएँ क्या है यहाँ पर क्षेत्र में, पूरे पहले के जो पार्षद हैं उनके काम में क्या कमी रह गई है? मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतनी मेहनत की यहाँ पर आए बिना बुलाए। मूलभूत समस्या सर ये है कि यहाँ पर सीवर, जैसे मैम ने बताई, सीवर की समस्या ये है, सीवर तो लाइन डली है लेकिन यहाँ पर सफाई के नाम पर जीरो। दूसरी बात, लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, खरिंजे की इतनी दिक्कत है और यहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं। जो पिछले चुनाव में जो आपकी BSP के पार्षद रहे हैं, मैं नहीं जानता कि शायद कभी भी उन्होंने किसी क्षेत्रीय जनता ने उनका चेहरा देखा हो। और समस्याओं का निराकरण तो बहुत दूर की बात है, क्षेत्रीय जनता उनका चेहरा भी नहीं देखा है। और हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को यहाँ पे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, हम निश्चिंत हैं कि यहाँ पे हमारी पार्टी निकलेगी और हमारी श्रीमती कल्पना सिंह जी वार्ड नंबर 2 से अपने सदन पहुँचेंगी। ठीक है, सदन पहुँचने का दावा कर रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्षेत्रीय नागरिक हैं, पार्टी के सपोर्टर भी हैं। मुकेश कल्याण जी हैं, पुराने नेता हैं क्षेत्र के। मुकेश जी, कल्पना जी दावा कर रही हैं जीत कराएंगी, क्षेत्र का विकास कराएंगी, कितने मुतमईन हैं आप? देखिए, उदाहरण के तौर पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बस फ्री, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री, जो सरकार वहाँ तो सरकार है ना, आप अभी नगर निकाय चुनाव पे बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ फिर मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की, जो सरकारी स्कूल हैं उनको इंग्लिश मीडियम से भी बढ़िया बना करके उनको बढ़िया शिक्षा देने का काम किया गरीब व्यक्ति को। और उसके बाद में शिक्षा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी चीज़ें वहाँ। और केजरीवाल जी का जो संदेश है वो पूरे देश के अंदर चला गया है। अब हर समाज का व्यक्ति ये चाहता है कि केजरीवाल जी की हर जगह सरकार आए, मजबूती बढ़े। उसको देखते हुए
हमारे यहाँ बाढ़ दो के जितने भी हमारे जो नागरिक हैं उन्होंने ये कसम खा ली है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, गरीबों का भला कर रही है, क्यों ना आम आदमी की पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताया जाए। इसलिए पूर्ण तरह विश्वास करते हुए आम आदमी पार्टी पर प्रत्येक व्यक्ति ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हमें हर हालत में झाड़ू पर मोहर लगा करके आम आदमी पार्टी को जिताना है। ठीक है, पार्टी वार्ड नंबर दो से जो क्षेत्रीय नागरिक हैं उन्होंने मन बना लिया है कि कल्पना सिंह को जिताना है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं जानूंगा, इनसे पूछूंगा। कल्पना जी कह रही हैं कि क्षेत्र का विकास कराएंगे, सही कह रही हैं? सही कह रही हैं। कैसे विश्वास है आपको? विश्वास है, विश्वास है पूरा, पूरा विश्वास। इसलिए सपोर्ट में खड़े हैं? हाँ, सपोर्ट में खड़े हैं। आपका कहना है माता जी? हाँ, विश्वास। नाम बता दीजिए। रामवती। अच्छा, ये बताइए, कल्पना जी कह रही हैं कि बहुत क्षेत्र का विकास कराएंगे, जीतेंगे तो करांगी करांगी, हमारे बाम है तो करांगी। चुनाव और भी महिलाएं हैं मेरे साथ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजू है। अच्छा, ये बताइए, कल्पना जी कह रही हैं कि जीत कर आएंगी तो ये क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेके नगर निगम में उठाएंगी, समस्याओं को निराकरण भी कराएंगी, कितनी आप इनकी बात से इत्तेफाक? नहीं, इनकी बात से हम सहमत हैं। ये अपनी है, अपने बस्ती में रहती हैं, ये हमारे लिए जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी, और ये हमारी हमारी समस्या भी सुनती हैं। अभी तो कर नेता पे नहीं खड़ी हुई थी, फिर भी हमारी समस्या सुनती थी और अभी भी सुनेंगी और करेंगी भी। ठीक है, तो ये हम इस समय वार्ड नंबर दो में हैं, कल्पना सिंह को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। क्षेत्रीय जो जनता है वो लगातार कल्पना सिंह को वोट देने का मन बना रही है, ऐसे लोगों ने यहाँ पे बताया। इसके अलावा ये राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा, पर क्षेत्रीय जनता का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी के लिए स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ़ के नारे के साथ आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनावों में उतरी है, और निश्चित तौर पर जैसा जनसमूह है, जैसा लोगों की भावना है, उससे देखकर ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जनाधार इस नगर निकाय चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज आगरा। अपने जनसंपर्क के दौरान कल्पना सिंह को लगातार लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का साफ तौर पर कहना है कि पूर्व पार्षद द्वारा क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं कराए गए हैं, सिर्फ कल्पना सिंह ही हैं जो नगर निगम सदन में पहुंचकर क्षेत्रीय जनता के विकास के मुद्दे को नगर निगम में उठा पाएंगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।